इंडियन आर्मी के अग्निवीरों का पहला बैच देश के अलग अलग हिस्से में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुका है। अग्निवीर एक ऐसा टर्म है जो पिछले साल आई अग्निपथ स्कीम के तहत रिक्रूट किए गए सिपाही होंगे। अग्निपथ स्कीम के तहत सिपाही 4 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे, जबकि पहले सिपाही फुल सर्विस करते थे रिटायरमेंट तक के लिए। इसी 4 साल वाले कॉन्सेप्ट के चक्कर में देश भर में काफी आंदोलन हुए, केंद्र सरकार से सवाल किए गए, ट्रेनें जलाई गई, युवा सड़कों पर उतरे, जिसके बाद एक संशोधन करते हुए सरकार ने इस स्कीम को लागू कर दिया। अब आंदोलन तो नहीं, लेकिन विपक्ष में इसे अब भी मुद्दा बनाया जाता है। हिमाचल में 2022 चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। कहा जाता है कि अग्निवीर योजना भी यहां बीजेपी की हार की बड़ी वजह बनी। खैर, आज बात करेंगे अग्निवीर योजना की कि आखिर केंद्र सरकार ने 4 साल बाद इन सिपाहियों के लिए कौन से रास्ते खोले छोड़े हैं, क्या होगा उनका भविष्य, क्योंकि स्कीम को लेकर दलील यही है कि इससे एक तो देश की युवा आबादी में स्किल होंगे, अनुशासन और मौके भी, ताकि वो 4 साल बाद भी दूसरा करियर आसानी से बना लेंगे। वही जो परमानेंट सर्विस में होंगे वो बेस्ट ऑफ बेस्ट होंगे। सेना में एक अग्निवीर के तौर पर शामिल होकर कैंडिडेट को काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है। इन्हें ट्रेनिंग देने पर पूरा फोकस दिया जाता है, ताकि ये वो जिम्मेदारी निभा सके जो सेना में इन्हें दी जाती है। इस दौरान इनकी फिजिकल, मेंटल, डिसिप्लिन, लीडरशिप स्किल के साथ फिटनेस में भी इजाफा होता है। एक अग्निवीर के तौर पर कैंडिडेट जो स्किल्स सीखता है उसे उनके सर्टिफिकेट में शामिल किया जाता है, जिसे शिक्षा मंत्रालय भी मान्यता देता है। अग्निवीर के 25% बैच को परमानेंट तैनाती दी जाती है। इसमें उनकी स्किल्स, परफॉर्मेंस, कंप्यूटर नॉलेज जैसे स्किल्स को देखा जाता है। 75% वो कैंडिडेट जिन्हें रेगुलर कैडर के तौर पर शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए इग्नू 3 साल का विशेष स्किल्स बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम कराता है। इसमें 50% तक स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और 50% में दूसरे विषय शामिल किए जाते हैं। अग्निवीर के तौर पर सेना में 4 साल का समय पूरा करने में उन्हें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन से जुड़ा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, 10वीं पास कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 12वीं मार्कशीट की तरह सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये नौकरी और शिक्षा दोनों क्षेत्र में मान्य है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेगुलर कैडर मिलने पर आर्मी में 15, नेवी में 20 साल तक काम करना होगा। 4 साल का समय पूरा करने वाले अग्निवीरों को रिटायरमेंट के फायदे नहीं मिलते, हालांकि कुछ सम्मान राशि जरूर मिलती है। जून 2022 जब देश की मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई, इसके मुताबिक 4 साल बाद 25% सिपाहियों को ही उनके परफॉर्मेंस के आधार पर फुल सर्विस के लिए रखा जाएगा और बाकी 75% सिपाहियों को ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने कहा था कि इससे अनुभवी सिपाही ड्यूटी में बने रहेंगे और 75% अग्निवीर 4 साल बाद अलग करियर सेट करने के लायक भी रहेंगे, क्योंकि तब तक उनमें काफी सारे स्किल्स होंगे। साथ ही सरकार उन्हें कोटा भी देगी और कई तरह के सर्टिफिकेशन भी। लेकिन ये बात कई सारे लोगों को हजम नहीं हुई, नतीजा भारी भरकम आंदोलन हुआ। आंदोलनकारियों का कहना था कि सरकार को बात करनी चाहिए थी। कई छात्रों को इस स्कीम से नाराजगी तब इसीलिए थी क्योंकि 2 साल पहले जिन लोगों ने मेडिकल और फिजिकल पास कर लिया था और कोविड के चक्कर में उनका अब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, ऐसे में सरकार 4 साल वाली स्कीम निकालकर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। युवाओं का कहना था कि नौकरी के लिए उनकी उम्र अब गुजर चुकी है, सेना ने भर्तियां रोक दी है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग 23 साल के हैं और स्कीम के तहत अप्लाई करने की उम्र 21 साल है। हालांकि इसी के बाद सरकार ने इसमें संशोधन किया और बस 2023 के लिए इस उम्र सीमा को 21 से 23 कर दी, ताकि कोविड के चलते जिन्होंने 2 साल इंतजार किया उन्हें फिर से अग्निवीर में अप्लाई करने के लिए मौका मिल सके। इसमें से कुछ की नाराजगी दूर हुई तो वही कुछ युवाओं का कहना था कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे। सोचिए, 18 से 22 साल के 75% बच्चे 22 से 26 साल की उम्र में बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ तक कि डिफेंस एक्सपर्ट या जो पहले सेना में नौकरी कर चुके हैं, उनका भी मानना था कि आर्मी में एक बेहतर जवान को तैयार करने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में अग्निवीर महज 6 महीने में ट्रेंड कैसे हो पाएंगे। वही अग्निवीरों को हमेशा अपने परिवार की भी चिंता होगी। 2023 की शुरुआत में 19,000 से ज्यादा अग्निवीरों ने पहले फेज में ट्रेनिंग शुरू की है। मार्च में दूसरे बैच में 21,000 सिपाही होंगे जो ट्रेनिंग शुरू करेंगे। वही मई नवंबर में आगे के बैचेस होंगे। 2024 से सिर्फ 2 फेज में ये भर्तियां होंगी, मई और नवंबर में। सेना ने ये इंश्योर करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है कि 4 साल बाद 75% अग्निवीरों में इतना स्किल डेवलपमेंट हो जाए कि वो दूसरा करियर आसानी से बना सके।
अग्निवीरों को सेवा के पहले साल में 4,76,000 और चौथे साल में 6,92,000 का सालाना वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार के मुताबिक 4 साल के लिए भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल की नौकरी रहेगी। सेना में भर्ती युवाओं को यूनिफॉर्म, अलाउंस, कैंटीन और मेडिकल की सुविधा 4 साल तक ही दी जाएगी। सेवा के दौरान मौत हुई तो बीमा कवर के रूप में उसके परिवार को 1 करोड़ की राशि दी जाएगी। ड्यूटी के दौरान विकलांग हो जाने पर 48 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही जितनी नौकरी बची है उसकी पूरी सैलरी सहित सेवा निधि का पूरा पैकेज दिया जाएगा। वही 4 साल के बाद रिहा होने वालों को सेवा निधि के तौर पर 11,71,000 रुपए के आसपास मिलेंगे, जिसमें उनकी सेवा के दौरान उनके द्वारा दिया गया 5,02,000 रुपए का योगदान भी शामिल है। उनके पास अलग अलग सरकारी संगठनों, अर्धसैनिक बलों और दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी का कोटा भी होगा। चलिए अब जानते हैं कि उन 25% अग्निवीरों का रेटिंग बेस क्या होगा जो 4 साल बाद फुल सर्विस के लिए चुने जाएंगे। रेटिंग बेस में सबसे पहले होगा ऑपरेशनल एप्टीट्यूड, इसे हर साल परखा जाएगा। एप्टीट्यूड का वेटेज 39% होगा, मतलब समझिए इसमें सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। फिजिकल फिटनेस, फायरिंग और ड्रिल का हर 6 महीने में आकलन होगा, इसके कुल 36% नंबर होंगे। पहले और चौथे साल में अग्निवीरों को परखने के लिए एक स्वतंत्र स्क्रीनिंग बोर्ड रहेगा। ये रिटन और प्रैक्टिकल दोनों तरह के टेस्ट लेंगे, जिसका वेटेज 25% होगा। दूसरे अधिकारी ने बताया, जानकारी के मुताबिक मूल्यांकन और स्क्रीनिंग पूरे पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसके लिए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। वही गैलेंट्री अवार्ड्स को एक्स्ट्रा मार्क्स की तरह समझा जाएगा। दूसरी तरफ अनुशासनहीनता को नेगेटिव मार्क्स में काउंट किया जाएगा। केंद्र सरकार की माने तो अग्निवीर योजना एक ऐसा रिफॉर्म है जो काफी समय से पेंडिंग था। साल 1989 में ये काम शुरू हुआ था। एक एक करके काम शुरू किया गया। कमांडिंग ऑफिसर की उम्र कम की गई। टिक टू टेल रेशियो को कम किया गया। उसके बाद सीडीएस का गठन हुआ। इसके बाद अगले रिफॉर्म यानी कि अग्निवीर पर काम शुरू किया गया। सरकार का कहना है कि इसकी योजना पहले से थी और ऐसा इसीलिए था क्योंकि ये 75% जो युवा है सेना में 4 साल रहने के बाद देश में वापस जाएंगे, ये देश की ताकत होंगे। वही दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि इस योजना के जरिए सिपाहियों के साथ नाइंसाफी की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी। हालांकि अब देखना होगा कि जैसा कि सरकार और इंडियन आर्मी ने प्लान किया है वैसा हो पाता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।